अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद देश की राजनीति गर्म है। अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद अब ये दावा किया जाने लगा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने कैसे देश की जांच एजेंसियों को तोता बनाकर उसका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ किया है। इस बारे में आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो तगड़ा हमला बोला ही था। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी इसी बारे में मोदी सरकार और बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। देखिए, इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और काफ़ी अच्छी बात है, बेल हुई है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को जब देखा जाए तो जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों की जिस प्रकार से पोल खोली जा रही है कोर्ट द्वारा, ये भी गौर करने लायक है। जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, एक चुनिंदा लोगों को ही जो है पॉलिटिकली जो है टारगेट किया जा रहा है, ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस हिसाब से फटकार लगाई जा रही है ईडी हो या सीबीआई हो, ये भी गौर करने लायक है। तो इसमें तो हद तो भारत सरकार की पिट रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, कहीं भी हो कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसीज जो है संवैधानिक एजेंसियों को किसी के दबाव में या पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। फेयर प्ले जो है, फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना चाहिए। तो आज केजरीवाल जी को बेल मिली है, उनसे पहले भी उनके साथियों को बेल मिली है। तो मैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता और केजरीवाल जी के परिवार को बधाई देता हूँ। हमें उम्मीद थी इस केस में कुछ नहीं है, एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, अब तो सब पता चल गया। हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी लड़ रही है पूरी जोर शोर से लड़ेंगे। आपको लगता है कि सीएम के बाहर आने से कुछ बहुत बड़ी ताकत मिलेगी? बीजेपी लेकिन सर सवाल उठा रही है कि कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। बीजेपी वालों का क्या है जी, उनका वो तो कुछ भी बोल देते हैं। उनका सीबीआई के लिए कोर्ट ने की एक तरह से पिंजरे का तोता जो आप लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं कहते रहे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पिंजरे के तोते की तरह बरता जा रहा है जांच एजेंसियों को, और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मोहर लगा दी। लेकिन हमें यकीन था, हमें माननीय न्यायालय पर यकीन था कि एक ना एक दिन के बाहर आएंगे। संजय सिंह बाहर आए, मनीष सोदिया बाहर आए, तो क्या वाकई में ऐसा ही है जैसा कि विपक्ष के सभी नेता बारी बारी से दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से ये दावे भी करती जरूर दिखी है कि ना तो ईडी और ना ही सीबीआई के पास केजरीवाल और इस केस में उनकी पार्टी के जितने भी लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके पास से किसी भी तरह का सबूत मिला है। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल की जमानत ने देश की राजनीति में एक अलग हवा बना दी है। जो किस किस तरफ और कैसे बहेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।